Hi everyone, welcome to Eat, Taste, Cook. This is Partho's Desi Global Kitchen. In today's kitchen, we are going to make our global favorite, a sponge cake. So of course, because it is a Desi Global Kitchen, we are going to make sponge cake in a Desi style, which is sponge cake in a pressure cooker. So let's get to the ingredients that we need for a sponge cake in a pressure cooker. So let's start with three eggs, 3 ande, 1 cup maida, wheat flour, 3/4 cup melted butter, 1 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon baking soda, 3/4 cup powdered sugar, मैंने चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, 1 teaspoon vanilla essence, 1/4 cup milk, दूध, 1 kilo salt, नमक. ये नमक हमें केक बनाने के लिए नहीं चाहिए, we need it to bake our cake. तो that is why I have it in the list of ingredients. अभी हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे. इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप व्हीट फ्लोर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा. इन सब को अच्छी तरह मिला लेंगे और फिर छन्नी से छान लेंगे. वंस इज डन, वी कीप देम असाइड टू यूज लेटर. ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गया है. नाउ वी नीड टू प्रिपेयर द एग बैटर. First thing we need to do is separate egg white and egg yolk. Now we need to use a hand blender and whisk egg white and egg yolk separately. अभी हम हैंड ब्लेंडर से एग व्हाइट और एग योक को अलग अलग फेंट लेते हैं. अभी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं. अभी हुआ नहीं है. We need to whisk it even more. Now this is the right consistency. काफी thick हो चुका है. Now egg white is done. We will keep it aside in a separate bowl. And we start with our egg yolk. Now it's time to whisk egg yolk. Egg yolk को फेंटना चालू करते हैं. Once the color turns light yellow, see here. The color has already started to change. Once it becomes light yellow, our egg yolk is almost done. Once egg yolk is whisked properly, we add already whisked egg white into the batter and whisk it all together once again. Now it's time to add powdered sugar and keep on whisking. धीरे धीरे पाउडर शुगर डालते हैं और फेंटना चालू रखेंगे. नाउ इट्स टाइम टू ऐड मेल्टेड बटर इनटू आवर एग मिक्स व्हाइल वी कीप ऑन व्हिस्किंग. अभी मक्खन डालने का टाइम हो गया. हम स्लोली मक्खन डालते हैं व्हाइल वी कीप ऑन व्हिस्किंग. See how the consistency is changing to a very thick consistency. मक्खन डालने के बाद our egg batter का consistency change होगा, and this is what we were looking for. Now we need to add 1 teaspoon vanilla essence. 1 teaspoon vanilla essence डालते हैं, and this is our final ingredient into our wet mix. Now we whisk it again. And our wet batter is ready. Now slowly we will add our flour mix into the egg batter and fold it into the egg batter. धीरे धीरे हम मैदे का मिक्सचर को एग बैटर में डालेंगे और धीरे धीरे मिक्स करेंगे. Make sure it doesn't create any lump. This process is called cut and fold. हमें सॉफ्ट हाथ से मिक्स करना है सो दैट देयर इज नो बबल इनटू इट. अगर बबल्स होगा तो आपका केक फ्लफी नहीं बनेगा. एज वी गेट टू द लास्ट बिट ऑफ फ्लोर यू कैन सी द मिक्सचर हैज बिकम क्वाइट थिक. जब एंड तक जाएंगे तो मिक्सचर काफी थिक हो जाएगा. टू सॉफ्टन इट
वी विल ऐड वाटर कप ऑफ मिल्क। इसे थोड़ा गीला करने के लिए, थोड़ा पतला करने के लिए क्वार्टर कप, एक चौथाई कप दूध डालेंगे। आफ्टर एडिंग मिल्क वी विल कीप ऑन मिक्सिंग विद सॉफ्ट हैंड अंटिल वी गेट टू अ वेरी स्मूथ कंसिस्टेंसी। दूध डालने के बाद हम मिक्स करते रहेंगे धीरे हाथों से सो दैट वी गेट अ वेरी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी। दिस इज वॉट वी वॉन्ट, वी हैव गॉट टू द राइट कंसिस्टेंसी। नाउ दैट आर केक बैटर इज रेडी वी नीड टू प्रिपेयर आर केक मोल्ड टू मेक द केक। तो वॉट वी नीड नाउ इज 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। एक टेबलस्पून बटर डालते हैं अपने मोल्ड पे एंड ब्रश इट फ्रॉम इनसाइड इन ऑल साइड्स। हम पूरे मोल्ड को अंदर से मक्खन से ग्रीस कर लेंगे। वंस आवर केक मोल्ड इज प्रॉपरली ग्रीस्ड, जब चारों तरफ मक्खन लगा लेंगे वी विल ऐड 1 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून व्हीट फ्लोर एंड वी विल स्प्रेड इट अराउंड इवनली। सी दिस इज द वे वी आर स्प्रेडिंग इट इवनली। कीप ऑन टैपिंग सो दैट इट स्प्रेड्स अक्रॉस इवनली टू ऑल द सर्फेस एरिया। वंस इट इज डन टैप इट ऑन टू एनी हॉट सर्फेस सो दैट यू कैन रिमूव द एक्सेस व्हीट फ्लोर और मैदा एंड इज ड्राई फ्रॉम इन साइड। नाउ वी नीड टू पोर द एंटायर केक बैटर इन टू द मोल्ड। केक बैटर को मोल्ड में डालते हैं। वंस इट इज डन वी सेट इट असाइड एंड नाउ वी नीड टू गेट आर प्रेशर कुकर एंड प्रिपेयर इट टू बेक आर केक। What we are trying to do here is to mimic an oven in a pressure cooker. Preheated oven retains heat for a long time. Ek oven mein garmahat kafi der tak rehta hai. We are going to create the same environment in a pressure cooker by using salt. If you remember, maine pehle bola tha, we need 1 kilo of salt. That is what we are going to use now. We are going to pour the entire 1 kilo of salt in a pressure cooker in high heat and heat up the salt so that it gets sufficiently hot. Please check with the back of your finger if the salt is hot enough. If it should not be very hot to burn your finger, but then it should be sufficiently hot so that it retains the heat. Now we can see that the salt is sufficiently hot. It is time to place the cake batter in. Please remember, cooker काफी गर्म है. Make sure you do not burn your finger. अपनी उंगलियां मत जला लेना. All you need to do is drop the batter into the pressure cooker. Our salt base will work as a cushion aur aapka batter spill nahi hoga. Now it's time to cover the lid. Make sure you do not put the pressure cap onto the cooker. And we put it in low flame for 20 minutes. Now I have set the timer for 20 minutes. While the cake is getting baked, a very important reminder and a very humble request to everyone. Please remember to subscribe, like and share and hit the bell icon to get our latest updates. 20 minutes are over now. It is time to turn up the heat to low medium. Remember, do not open the lid yet and we will bake it for 15 minutes more. Now another 15 minutes are over. It is time to open our pressure cooker and see how it turns out. Now it is time to take out the cake from the cake mold. Look how greasy and buttery the cake looks. Let us flip it. अभी काट के देखते हैं कैसा बना. See how beautiful and fluffy it looks. Our sponge cake in a pressure cooker is ready.